यूपी बिहार उपचुनाव में बीजेपी को मिली करारी शिकस्त को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। इशारों इशारों में पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट किया कि इन चुनावों से साफ हो गया है कि पार्टी का रास्ता उबड़ खाबड़ है। दोनों नेताओं को अपनी कुर्सी की बेल्ट पहन लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अहंकार और अति आत्मविश्वास से पार्टी के दुश्मन बढ़ गए हैं। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने उम्मीद भी जताई कि पार्टी इस मुश्किल की घड़ी से जल्द निकलेगी। शत्रु ने कहा कि पार्टी जितनी जल्दी इस मुश्किल की घड़ी से बाहर निकलेगी उतना ही बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि यूपी बिहार उपचुनाव के नतीजे चीख चीख कर बीजेपी के भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं कि पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि बुधवार को आए उपचुनावों के नतीजे में समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर और फूलपुर दोनों सीटों पर कब्जा जमा लिया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार की अररिया सीट पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। यूपी में मायावती अखिलेश की जोड़ी मोदी योगी पर भारी पड़ गई है। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव, मायावती, लालू यादव और तेजस्वी यादव को जीत की बधाई दी है। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।